तो हेलो दोस्तों, तो जो है यहाँ इस सीरीज़ का हम पहला वर्कआउट आज जो है शूट करने जा रहे हैं, शोल्डर और चेस्ट। इसमें हम पहले जो है शोल्डर परफॉर्म करेंगे और उसके बाद जो है हम करेंगे चेस्ट। चेस्ट के हम करेंगे 3 एक्सरसाइज और इसमें जो हम शोल्डर पहले इस वीक में हम पहले शोल्डर परफॉर्म करेंगे और फिर करेंगे चेस्ट। और जब आप इसी वीक में दोबारा आप इसे रिपीट करेंगे तो आप पहले करेंगे चेस्ट और फिर करेंगे शोल्डर। तो आप पहले सबसे पहले वार्म अप कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद शोल्डर वर्कआउट आप स्टार्ट करेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको पहली एक्सरसाइज आपको कौन सी करनी है। तो पहली एक्सरसाइज करेंगे हम साइड लेटरल करेंगे। पहले जो है हम स्ट्रेट आर्म्स करके साइड लेटरल करेंगे और उसके बाद हल्का सा बेंड करके करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से करना है आपको। तो देखें, पहले करेंगे हम स्ट्रेट आर्म्स, स्ट्रेट आर्म करके करेंगे। तो हाथ इसमें आप एल्बो सीधी रखेंगे और इस तरीके से यहाँ तक लेके आएंगे आप शोल्डर के पास तक। 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो है आप 20 रैप परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद आप करेंगे हल्का सा अपनी एल्बो को बैंड कर लेंगे, हल्का सामने की तरफ हल्का सा बैंड होना, बिल्कुल हल्का। और उसके बाद 20 रैप फिर से परफॉर्म करेंगे कंटिन्यू बिना रुके हुए इस तरीके से। 1 2 और ज़्यादा आप बॉडी अपनी शेक नहीं करेंगे और ज़्यादा मूव नहीं करेंगे अपनी बॉडी को। इस तरीके से आप 20 रैप इसके भी परफॉर्म कर लेंगे। तो इसके करने हैं आपको 4 सेट। पहले आप करेंगे 20 रैप, 20 20 करके, 20 सीधे हाथ करके, 20 हल्का सा बैंड करके। उसके बाद करेंगे 15 सीधे करके, 15 हल्का बैंड करके। तो इस तरीके से जो है आप 4 सेट परफॉर्म करेंगे। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक्सरसाइज। तो रहेगा शोल्डर का सेकंड वर्कआउट। फ्रंट रेस करेंगे यहाँ डंबल से, यहाँ मैं 10 के यूज़ कर रहा हूँ। आप जो अपने अकॉर्डिंगली डंबल यूज़ करेंगे। इसके बाद में 4 सेट और आप पहले रखेंगे 20 12 8 और लास्ट में आप रखेंगे जितने आप मैक्सिमम लगा सकें। तो करना किस तरीके से, इसे हम लाएंगे अपने शोल्डर के वेट तक इस तरीके। 1 2 इस तरीके से 10 इससे करेंगे, 10 इससे कर लेंगे और 10 करेंगे दोनों डंबल साथ में। तरीके से आप इसके 4 सेट परफॉर्म करेंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले साइड एक्सरसाइज बारबेल प्रेस। इसे देखेंगे किस तरीके से करना है। इसके करेंगे, इसके भी हम 4 सेट करेंगे, 15 15 3 करेंगे और लास्ट में करेंगे 12 रैप करेंगे। तो इसे देखेंगे किस तरीके से करना है। इसमें डिलीट करेंगे हमारे शोल्डर रिलेटेड जो होते हैं उसके बराबर रख लेंगे आप। और इस तरीके से यहाँ आएंगे आप चिन के पास तक आएंगे और ऊपर पूरा प्रेस करेंगे, करने के चिन के पास तक आएंगे कंटिन्यू। आप इसके 15 रैप परफॉर्म करेंगे और वेट जो है आप अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे। रहेगी शोल्डर की 4 एक्सरसाइज बिहाइंड द नेक मिलिट्री प्रेस। से देखिए किस तरीके से करना है। इसमें लोग जिम करेंगे और शोल्डर से हल्का सा बढ़ा रखेंगे और इसके अंदर हम 4 सेट परफॉर्म करेंगे, 15 12 8 और लास्ट करेंगे आप इस तरीके से 15 फिंगर तक मारेंगे आपके से। करना देखें आप इस तरीके से आप कर रहे हैं, पीछे कर जाइए एकदम आप पूरे ऊपर ले जाइए। तो ये रहेगी शोल्डर एक्सरसाइज बैंड प्रेस मारेंगे रेयर डेड के लिए। तो चलिए इस तरह से परफॉर्म करना है। इसके अंदर 4 सेट करेंगे, फिर आप 20 20 के रैप मारेंगे। आप लाइट वेट लेंगे अपने हिसाब से। तो चलेंगे कमर रखेंगे आप इसके 4 सेट, कमर रखेंगे सीधी आर्च बना के इस तरीके से मारेंगे। 1 2 इसमें जो आप ध्यान रखेंगे आपको ज़्यादा मूव नहीं होना, तो एक जगह पे स्टेबल रहेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा शोल्डर वर्कआउट खत्म होता है और मैं आपको बता रहा हूँ आपको चेस्ट वर्कआउट इस तरीके से परफॉर्म करना है। चेस्ट की हम रखेंगे 3 एक्सरसाइज करेंगे। पहले वार्म अप के लिए आप पुशअप कर लेंगे, 25 के 4 सेट मारेंगे आप और उसके बाद चलते हैं हम पहले एक्सरसाइज को मिलता हूँ आपको। तो ये जो है चेस्ट की पहले एक्सरसाइज है बटरफ्लाई, इसके जो है 4 सेट परफॉर्म करेंगे
बीस बीस का चार्ज मानेंगे, वेट रखेंगे लाइट, ताकि जो है आप जो अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन बना सके अपनी चेस्ट में, और इससे जो है इस एक्सरसाइज जो है हम मेनली फोकस करेंगे, हमारी मसल जो है अच्छे से एक्टिवेट हो जाए, और उसके बाद जो है हम दो एक्सरसाइज जो हैवी रखेंगे, तो इसका जो है किस तरह काम करना है। जो सीट जो है आप अपनी तरीके के हिसाब से अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद आप चेस्ट हाइट रखेंगे और बैक में थोड़ा सा आर्च बना कर रखेंगे, एंड देन इस तरीके से आप पूरा स्ट्रेच करेंगे और सामने स्क्वीज करेंगे, स्ट्रेच स्क्वीज, तो इस तरीके से आप इसके अंदर 20 से 25 रैप जो है परफॉर्म करेंगे। आप ध्यान रखेंगे आप इसमें जो है माइंड मसल कलेक्शन जो है अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है आपके मसल से जो है अच्छा पंप आए, अच्छा ब्लड फ्लो आए, तो उससे आपका जो अच्छा मसल पंप होगा। तो ये रहेगी चेस्ट की सेकंड एक्सरसाइज, इंक्लाइन करेंगे, इंक्लाइन पर रोड करनी है हमें, इसके जो है चार सेट मारेंगे 20 15 12 8 और वेट आप अपने अकॉर्डिंगली लगा लेंगे, तो इसे देखेंगे किस तरीके से करना है। इसके जो ग्रिप रखेंगे वो रखेंगे शोल्डर से हल्का सा वाइड रखेंगे, और देखिए किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, इसी तरह हम लाएंगे अपनी अपर चेस्ट लाएंगे, इस तरीके से टच करेंगे ऊपर, पूरा ऊपर तक ले जाएंगे, ऊपर स्क्वीज करेंगे, नीचे स्ट्रेच करेंगे, बताता हूँ आपको चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज वो करेंगे हम डंबल प्रेस करेंगे इसी पे इंक्लाइन। तो ये जो हमारी चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज है, और इसके बाद हमारा चेस्ट और शोल्डर का वर्कआउट खत्म होगा, तो ये करेंगे हम डंबल फ्लाई करेंगे इसी पर, इसके हम मारेंगे तीन सेट मारेंगे इस पर, इसके रखेंगे आप 20 15 12 और वेट आप अपने अकॉर्डिंगली कर लेंगे, यहाँ पर करेंगे पूरा स्ट्रेच और ऊपर स्क्वीज करेंगे, यहाँ पर डंबल आप टच भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप थोड़ा सा गैप भी रख सकते हैं, स्लो स्लो परफॉर्म करेंगे आप। तो इस तरीके से जो है आप इसके जो है तीन सेट परफॉर्म कर लेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा पहला वर्कआउट सेशन जो है ख़त्म होता है चेस्ट का और शोल्डर का। तो आज जो हमने परफॉर्म किया है, पहले हमने शोल्डर किए थे और उसके बाद हमने चेस्ट परफॉर्म किया, तो जब आप अगली बार वीक में ट्रेन करेंगे अपने चेस्ट और शोल्डर को, तो आप इसे ऑल्टरनेट कर लेंगे, पहले आप चेस्ट परफॉर्म करेंगे और उसके बाद आप करेंगे शोल्डर परफॉर्म। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और इस सीरीज का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ऑल के ऑप्शन को बेल आइकन प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मिलता हूँ आपसे।